मैंगो के पौधे का बहुत ही अच्छा ग्रोथ और इसके साथ साथ अगले साल भरपूर फ्रूट्स पाने के लिए फ्रूट्स हार्वेस्टिंग के बाद मैंगो के पौधे का कुछ इम्पोर्टेंट केयर है जो मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इनमें से नंबर 3 सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें से एक भी केयर टिप अगर आप मिस कर देंगे तो आपके पौधे का ग्रोथ ठीक से नहीं होगा, जिसके रिजल्ट के तौर पे अगले साल आपके पौधे में उतना अच्छा फ्रूटिंग भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, पौधे से फ्रूट्स को हार्वेस्ट करने के बाद अपना पहला काम है अपने पौधे की मिट्टी में जो भी घास फूस उगा हुआ है उनको हटा देना, ताकि मिट्टी का पूरा न्यूट्रिएंट्स ही अपने पौधे को मिले और ये जो घास फूस अपने पौधे की मिट्टी में लगा हुआ है ये मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स को ना चूसे। इससे पूरा न्यूट्रिएंट ही अपने पौधे को मिलेगा और पौधे का नया ग्रोथ बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगा। इसीलिए आप बहुत ही जल्दी अपने पौधे से सारा घास फूस को निकाल लीजिए। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मैंने अपने एक पौधे से सारे घास फूस को निकाल लिया है। नंबर 2, अब हमारा अगला काम है अपने पौधे में फर्टिलाइजर अप्लाई करना। लेकिन यह बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में पौधे में कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है और कौन सा नहीं करना है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बरसात के दिनों में गलत फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने से पौधे में फंगल प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। इसलिए आप इस समय काफी सोच समझ कर ही आपके पौधे में फर्टिलाइजर का अप्लाई कीजिए। अब हम इस समय अपने पौधे में मिक्स फर्टिलाइजर का अप्लाई नहीं कर सकते। इस समय हम अपने पौधे में बस कोई लिक्विड फर्टिलाइजर का ही अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अपने पौधे में किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइजर का अप्लाई करूंगा। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मैं किस तरीके से इस फर्टिलाइजर को अपने पौधे की मिट्टी में दे रहा हूँ। और यहाँ पर आप एक और बात का ध्यान रखें कि फर्टिलाइजर देने के बाद या फिर देने से पहले आप मिट्टी में गुड़ाई बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बरसात के दिनों में अगर हम गुड़ाई करते हैं तो मिट्टी पॉट से बहने का चांस रहता है, इसीलिए मैं इस समय आपको गुड़ाई करने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। एक और जरूरी बात, बरसात का मौसम खत्म होने के बाद अपने पौधे में जरूर एक बार ऑर्गेनिक मिक्स फर्टिलाइजर का अप्लाई करेंगे। ऑर्गेनिक मिक्स फर्टिलाइजर के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, इस वीडियो के एंड में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आप इस समय ऑर्गेनिक मिक्स फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बरसात खत्म होने के बाद आप ऑर्गेनिक मिक्स फर्टिलाइजर अपने पौधे में दे दीजिएगा। नंबर 3, पौधे से फ्रूट्स को हार्वेस्ट करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम है पौधे का प्रूनिंग। यहाँ पर आप किस तरीके से आपके पौधे का प्रूनिंग कर सकते हैं वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस समय पौधे के प्रूनिंग करने से पौधे में बहुत सारे नए नए ब्रांचेस आएंगे और उन्हीं नए नए ब्रांचेस में अगले साल बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए इस समय प्रूनिंग करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रूनिंग करने के टाइम पे आपके सामने दो कंडीशंस आ सकते हैं। यहाँ पर मैं दोनों कंडीशन ही आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले ही इस ब्रांच को आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस ब्रांच के इस पार्ट में फल लगा हुआ था। यहाँ पर एक नॉड एरिया है और दूसरा नॉड एरिया आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। अगर आपके ब्रांच में जिस ब्रांच में फ्रूट लगा हुआ था उस ब्रांच में दो नॉड एरियाज होंगे, जहाँ से एक पहला फ्रूट का जो ब्रांच है वो निकलेगा और उसके पीछे दूसरा नॉड एरिया होगा, तो आप हमेशा दूसरा जो नॉड एरिया होगा उसके ठीक ऊपर ही आपके पौधे के ब्रांच को प्रूनिंग कीजिएगा, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर अपने पौधे में प्रूनिंग किया है। और दूसरा कंडीशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा कंडीशन आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, इस ब्रांच में फ्रूट लगा हुआ था और यहाँ पर एक ही नॉड एरिया है, इसके नीचे कोई भी और नॉड एरिया आपको नजर नहीं आएगा। इस सिचुएशन में हम बस इतना ही कर सकते हैं कि जिस ब्रांच से फ्रूट लगा हुआ था उसको कुछ इस तरीके से पौधे से हटा सकते हैं। कुछ इस तरीके से हम ब्रांच को अपने पौधे से हटा देंगे, उसके बाद इस कटे हुए पार्ट में फंगिसाइड का अप्लाई कर देंगे।
सबसे अच्छा तो यही रहेगा अगर आपके पौधे के उस ब्रांच में दो नॉडेरिया हो तो आप हमेशा दूसरे नॉडेरिया के ऊपर से ही पौधे का प्रूनिंग कर लीजिए। इससे बहुत ही हेल्दी ब्रांच आपके उस नॉडेरिया के ऊपर से निकलेगा और आपको आपके पौधे में बहुत सारे नए नए ब्रांचेस नजर आएगा। नंबर 4 बट नॉट द लीस्ट, पौधे का रिपोर्टिंग। अगर आपके पौधे को रिपोर्टिंग का जरूरत है तो आप इस समय आपके पौधे का रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इस समय रिपोर्टिंग करने से आपके पौधे का बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगा और बरसात का मौसम ही होता है पौधे को रिपोर्टिंग करने का। इसीलिए अगर आपके पौधे को ज़रूरत है तो आप इस समय आपके पौधे को रिपोर्टिंग कर दीजिए। मेरा जो पौधा आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, इस पौधे को रिपोर्टिंग का अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इस पॉट में ही ये पौधा और एक साल रह सकता है और मैंगो के पौधे के रूट्स बहुत ही धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं। इसीलिए इस पौधे को या फिर मेरे किसी भी पौधे को अभी रिपोर्टिंग का ज़रूरत नहीं है। जो पौधे अभी पॉट में लगा हुआ नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पर मेरे इस क्यूजाई मैंगो के पौधे को देख सकते हैं। मेरा ये क्यूजाई मैंगो का पौधा एक ग्रो बैग में लगा हुआ है, तो मैं इस पौधे को रिपोर्टिंग करके एक पॉट में ग्रो करूँगा। इसके अलावा मेरे जो बाकी पौधे हैं उनको रिपोर्टिंग करने का अभी ज़रूरत नहीं है। पौधे से फ्रूट्स को हार्वेस्ट करने के बाद आप बस इन केयर टिप्स को फॉलो कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। तो वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, हमारा नया व्हाट्सएप का चैनल भी अब आ चुका है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।